नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीएस अड्डा में। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि जो बिजली होती है वो कोयले से किस प्रकार से बनती है, क्योंकि दोस्तों आजकल एक मुद्दा बहुत चर्चा में है कि देश में कोयले की जो कमी है वो किस प्रकार से लगातार बढ़ती जा रही है और इससे बिजली संकट की जो समस्या है वो पैदा होने वाली है। तो आज की जो अपनी चर्चा है, अपनी जो बात है आज के वीडियो में, वो होगी कोयले से रिलेटेड कि कोयले से बिजली किस प्रकार से बनाई जा सकती है और कोयला प्रकार का होता है और किस प्रकार से इससे बिजली बनती है और इंडिया में इसका उत्पादन कहां पर होता है और विदेशों से इसको मंगवाया जाने का रीजन क्या होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कोयले के बारे में कि जो कोयला होता है वो एक जीवाश्म ईंधन होता है। कोयला क्या होता है? एक जीवाश्म ईंधन होता है। जीवाश्म ईंधन का अर्थ ये होता है कि ये जीवों से बना हुआ होता है जो हजारों वर्षों तक पृथ्वी के अंदर क्या होता है, दबा रहता है। जैसे कि जीवाश्म ईंधन की बात करें, पेड़ पौधे जो होते हैं ये जब जमीन के ऊपर गिरते हैं तो धीरे धीरे जमीन की परत के अंदर दबते 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 बहुत नीचे चले जाते हैं और यहाँ जाकर कई हजारों वर्षों के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? कोयले में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जो कोयला होता है जीवाश्म ईंधन कहलाता है। ये जो होता है जीवाश्म ईंधन कहलाता है और भूमि के नीचे दबा हुआ होता है। तो ये अलग अलग, जैसे कि कोई जो कोयला है 1000 वर्ष से दबा है, कोई जो कोयला है वो 2000 वर्षों से दबा है, कोई कोयला जो है 4000 वर्षों से दबा है और कोई कोयला है 10000 वर्षों से या और ज्यादा हजार वर्षों से, लाखों वर्षों से दबा है। तो इसके आधार पर जो जितनी ज्यादा समय से दबा है वो उतना ज्यादा शुद्ध होगा, उसमें कार्बन की मात्रा उतनी ज्यादा होगी। जैसे कि अपन बात करते हैं, इस आधार पर कोयले को क्या करते हैं, चार अलग अलग पार्ट में, चार अलग अलग भागों में डिवाइड करते हैं। तो इसको जो नाम दिए जाते हैं वो होते हैं, सबसे पहला जो नाम होता है वो होता है एंथ्रोसाइट्स, यानी कि एक जो प्रकार होता है कोयले का होता है एंथ्रोसाइट्स। सबसे ज्यादा शुद्ध कोयला होता है, सबसे लंबे समय तक जमीन के अंदर, भूमि के अंदर दबा हुआ रहता है और इसमें कार्बन की जो मात्रा होती है लगभग होती है 85-95%, 85-95% इसमें क्या होता है, कार्बन होता है, सबसे ज्यादा शुद्ध होता है। परंतु भारत के पास इसकी उपलब्धता नहीं है, इसलिए एंथ्रोसाइट प्रकार का कोयला भारत में नहीं मिलता है। इसको विदेशों से क्या करना पड़ता है, आयात करना पड़ता है, विदेशों से इसको मंगवाया जाता है। दूसरा जो कोयला होता है दोस्तों वो होता है बिटुमिनस, यानी कि दूसरा कोयले का प्रकार वो बोलते हैं बिटुमिनस। और ये जो कोयला होता है दोस्तों इसमें होता है 72-85%, 70-85% क्या होता है इसमें कार्बन की मात्रा होती है। ये सेकंड सबसे शुद्ध कोयला होता है और भारत में इसकी उपलब्धता है। तीसरा जो कोयले का प्रकार होता है दोस्तों वो होता है लिगामेंट, और चौथा जो होता है वो होता है पीट कोयला। तो इनमें पीट में सबसे कम क्या रहती है, कार्बन की मात्रा लगभग 27-35% इसमें कार्बन की मात्रा रहती है, और लिगामेंट में लगभग 40-50% क्या होती है, कार्बन की मात्रा होती है। तो इस आधार पर सबसे जो शुद्ध कोयला होता है एंथ्रोसाइट होता है, सबसे जो अशुद्ध कोयला होता है जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है वो कौन सा होता है, पीट कोयला होता है। तो जितना ज्यादा शुद्ध कोयला होगा उतना ही ज्यादा एनर्जी का क्या करेगा, वो उत्सर्जन करेगा, उतनी ही ज्यादा उसमें कार्बन होगी तो एनर्जी का भी ज्यादा उत्सर्जन करेगा। तब कोयले से बिजली किस प्रकार से बनाई जा सकती है उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो होता क्या है कि तापीय विद्युत केंद्र होते हैं या तापीय विद्युत ऊर्जा केंद्र होते हैं जिन्हें थर्मल पावर प्लांट अपन कहते हैं, कि जो थर्मल पावर प्लांट्स उनमें क्या होता है। जैसे कि बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो भारत का सबसे बड़ा जो थर्मल पावर प्लांट है या तापी विद्युत ऊर्जा केंद्र है वो कहां पर है, मध्य प्रदेश में, और उसका जो नाम है वो है विंध्याचल तापी ऊर्जा केंद्र। तो इससे क्या होता है दोस्तों कि बिजली का निर्माण होता है और किसके माध्यम से होता है, कोयले के माध्यम से होता है। तो जितनी ज्यादा बिजली की खपत होगी उतना ही ज्यादा कोयले की आवश्यकता पड़ेगी, परंतु कोयले के जो भंडारण है या जितना कोयला जमीन के अंदर है वो एक सीमित है,
एक लिमिटेड सोर्सेस कोयले के हैं, तो एक समय के बाद तो इनको खत्म होना ही है, चाहे आज इनकी कमी हो या चाहे कल होगी, परंतु एक समय के बाद तो जो कोयला है उसको इतनी मात्रा में बाहर निकाला जा रहा है, तो एक समय के बाद वो खत्म हो जाएगा। इसलिए इसकी कमी आज से ही देखने को मिलती है, जिसकी वजह से क्या हो रही है, जो बिजली है, जो लाइट है, वो चली जाती है, बंद हो रही है, उसका संकट पैदा हो रहा है। तो उसका रीजन ये है कि कोयले की कमी आने लगी है, क्योंकि देश के बड़े बड़े जो विद्युत ग्रह हैं, जहां पर ऊर्जा बनाई जाती है, एनर्जी या विद्युत ऊर्जा जहां पर प्रोडक्शन किया जाता है, लाइट बनाई जाती है, वहां पर क्या है, थर्मल पावर प्लांट है, उनको एनटीपीसी जो होती है वो कंडक्ट करती है। तो भारत का सबसे बड़ा है मध्य प्रदेश में विंध्याचल तापी ऊर्जा केंद्र, तो यहाँ पर बहुत सारी यूनिट्स हैं, उनके माध्यम से क्या होता है, बिजली बनाई जाती है। तो कैसे बनाई जाती है, यहाँ पर एक गड्ढा होता है और गड्ढे के अंदर क्या होता है, कोयले को जलाया जाता है। गड्ढे के अंदर क्या किया जाता है, जो कोयला होता है उसको जलाया जाता है, फिर इस कोयले के ऊपर क्या किया जाता है, पानी डाला जाता है। ऊपर से क्या डाला जाएगा, पानी, इस कोयले जलते हुए कोयले के ऊपर पानी डाला जाता है, जिससे ये घुसता है, उससे धुआं निकलता है, इससे क्या निकलता है, धुआं निकलता है, वाष्प बनती है। और फिर जब ये धुआं ऊपर उठता है तो ऊपर क्या होता है, टर्बाइन लगा होता है। यहाँ पर क्या लगा होता है, टर्बाइन लगा होता है। तो टर्बाइन में क्या होते हैं कि जैसे ही ये वाष्प जाती है, इसके प्रेशर के कारण ये टरबाइन क्या होती है, घूमने लगती है, इसमें गति हो जाती है। और जब टरबाइन में इस वाष्प के कारण गति हो जाती है, तो उसकी जो एक छड़ होती है वो जनरेटर या डायनामो जो होता है उससे जुड़ी होती है, और जो डायनामो होता है वो अगर घूमता है तो उसके कारण क्या होती है, विद्युत पैदा होती है। विद्युत क्या होती है, उत्पादित होती है, या विद्युत ऊर्जा का क्या होता है, उत्पादन होता है। तो ये प्रोसेस होती है कि कोयले के माध्यम से विद्युत ऊर्जा बनाई जाती है तापी ऊर्जा केंद्र में। तो अगर कोयला ही नहीं होगा तो क्या जलाएंगे, तो कोयले की कमी से क्या होगा कि जो बिजली है वो उत्पादित नहीं हो पाएगी। और जो बिजली उत्पादित होती है इसको मेगावाट में काउंट करते हैं, क्या कहते हैं कि मेगावाट में, जैसे कि यहाँ पर लगभग बनती है 4000 मेगावाट बिजली का उत्पादन प्रति हावर यानी प्रति घंटे यहाँ पर होता है। परंतु अगर कोयला नहीं होगा तो ये सारी यूनिट्स क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, बिजली की जो समस्या है यानी कि जो बिजली के उपकरण है वो सही प्रकार से नहीं चल पाएंगे, क्योंकि बिजली उपलब्ध नहीं होगी देश में, प्रदेश में आज ये समस्या काफी एक बड़ी मात्रा में है। तो इसके लिए अपने को क्या करना है, सरकार को क्या करना चाहिए कि बिजली के जो परंपरागत स्रोत हैं, जैसे कि कोयले से बिजली उत्पन्न करना, उसको छोड़कर सोलर पैनल या सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना चाहिए, उसके साथ साथ पवन ऊर्जा, इनके जो सोर्सेज होते हैं ये लिमिटेड नहीं होते, ये अनलिमिटेड होते हैं। सूर्य की प्रकाश जो है अनलिमिटेड होता है, पवन जो होती है, हवा जो होती है अनलिमिटेड होती है। इसके अलावा जो विखंडन से नाभिकीय ऊर्जा जिसे कह सकते हैं, पर नाभिकीय विखंडन से जो ऊर्जा उत्पन्न हो सकती है उसका भी ज्यादा से ज्यादा उपयोग अभी करना चाहिए, क्योंकि कम यूरेनियम की मात्रा का उपयोग करके नाभिकीय ऊर्जा से बिजली पैदा की जा सकती है। तो दोस्तों सरकार को ये सारे जो प्रणालियां हैं इनमें काफी विकास करना चाहिए, जिससे आने वाले भविष्य में जो कोयला है वो उसकी कमी आने पर भी बिजली की समस्या पैदा नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों ये जो मुद्दा है आज ही गरमाया हुआ नहीं, पहले से ही ये चीजें चलती आ रही है कि कोयले की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, क्योंकि इसका इफेक्ट होता है जो कोल इंडिया लिमिटेड है, CIL जो कंपनी है, ये क्या करती है कि भारत के सभी जो प्लांट्स हैं उनको कोयला उपलब्ध कराती है, और इसके पास या तो कोयला बाहर से विदेशों से आता है, या दूसरा जो भारत का एक राज्य है झारखंड और उड़ीसा मध्य प्रदेश, यहाँ पर क्या है बड़े बड़े कोयले की खाने खदानें हैं, जहाँ से क्या किया जाता है, कोयले का उत्खनन किया जाता है और पूरे देश में सप्लाई किया जाता है। तो उसके माध्यम से क्या बनती है, बिजली बनती है। तो बिजली के उपकरण तो लोग खरीद रहे हैं कि बिजली से चलने वाले इलेक्ट्रिक कार लेंगे, प्रदूषण नहीं होगा, परंतु तो बिजली बनाने के लिए फिर प्रदूषण कर रहे हैं, क्योंकि इससे प्रदूषण भी होगा। इसलिए बिजली बनाने के लिए भी ऐसी चीजों का प्रयोग करना चाहिए सरकार को, जिससे प्रदूषण कम से कम हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज जो चीजें मैंने आपको बताई आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।